गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। गाइस आज अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड हम सुबह के आए भट्टे पे 8 बजे से, क्योंकि भैया है नहीं, सबको काम पे भी लगाना रहता। और आज एक और थोड़ा सा काम था, कल एक गाड़ी खाली हो रही थी रात की जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो अभी तो खाली हो रही है वो, यहाँ है अगर दिख रही हो तो। एंड देखिए ये इसके कारण आना पड़ा, ये अभी तक खाली हो रही है, कल से लगी हुई है। उसका टेम्परेचर इतना हाई था कि यार जो वर्कर्स थे उनको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको थोड़ा कूल डाउन होने दिया एंड अब हो रही है खाली। और आज हनुमान जयंती है, तो बस एक ही प्रे हनुमान जी से कि आप सभी को स्वस्थ रखें और आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए करते हैं अब आज के ब्लॉग की यहीं से शुरुआत। एंड गाइस डिस्कवर, हमने कल जो गाड़ी खाली हो रही है उसके ड्राइवर को दे दी थी, तो उसने रात में पता नहीं कहाँ कहाँ चलाया एंड पेट्रोल ख़त्म हो चुका था इसमें, तो रात में 1.5 किलोमीटर धका के लेके आया। तो अब ये यहीं खड़ी है कल रात से, इसमें पेट्रोल डालना है। हम आए हैं गाइस अभी दूसरे भट्टे पे, और दूसरे भट्टे पे अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तो देखिए बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये हो चुकी है गाइस बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा नुकसान, और वो इस वजह से हुआ कि इसमें अभी जो मिट्टी भरी थी उसके कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये दीवार टूट गई एंड सच में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। एंड गाइस इन सब जितने भी लॉसेस हैं, इन सब में सबसे बड़ा लॉस है हमारा टाइम का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, और ये जो वेस्टेज हुआ ये वापस रिसाइकल तो हो जाएगा, लेकिन एक तो जो मैन्युफैक्चर कर चुके हैं उसका टाइम प्लस जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसका टाइम, ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। चलिए खैर कोई ना, चलता रहता है इतना। खाली हो गई गाइस ये गाड़ी फाइनली 24 घंटे के भी बाद। यार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था इसका, लेबर्स पूरे वर्कर्स हमारे परेशान हो चुके थे। गाइस ऑल ऑफ माई वर्कर्स आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज फ्लाइट एंड वो सब बस इमेजिन कर रहे कि कैसे क्या हुआ होगा, कैसे क्या करते होंगे। क्या सोच रहे हो, हवाई जहाज के ऊपर बैठना था आपको? सोच रहा सीट के हम बैठे प्लेन में। हाँ डर लगे, डर लगे। हाँ। डर लगे तो गिर पड़ोगे। हाँ। कहाँ से गिर पड़ोगे? सीट हो रहा है। गाइस कैन यू इमेजिन फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग। हो गई गाइस छुट्टी एंड आए अभी हम दूसरे भट्टे पे, ये वाले जहाँ पे कुछ लॉस हो गया था। चलिए क्या हो गया? अभी एकदम घूल बाल हो समाज क्यों क्या हम ही घर घूल मचावे और हम ही फिर चढ़ावे हड्डन में मोटा तलक बंद कर भी नहीं पानी की। एक काम करो, और ये अंकित भैया पता नहीं क्या बोल के गए इनको, वो आ जाए जब तक ऐसे तैसे। भाई साहब पूछो, भाई साहब तू खुद दिख रहे कि हमें लगी घुल चढ़ा भी, हमें बोकाए भी लगी। चलो देखते हैं कुछ भी यार, पापा से करवाते हैं सुबह, ठीक है पापा से बोल देना ना। सो गाइस इनके भी सबके अपने अपने अलग अलग इशू है, इनको सब काम पार्टीशन में बांट चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता रहता है इनके बीच में। अब देखते क्या समझाना पड़ेगा उसपे। चलिए चलते हैं घर, आज भंडारे भी है, तो 2-3 गांव में भी है और हमारे गांव वाले गांव में भी, जहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे घर है वहाँ पे भी, और जहाँ पे भट्टा वहाँ पे भी। चलिए चलते हैं अब जल्दी घर, नहा धो के तैयार होना पड़ेगा प्ले जाने के लिए। हालत ऐसी ख़राब हो जाती है, पूरा धूल में बाल, उसके बाद फिर चेहरा बिल्कुल एकदम बिल्कुल ड्राई ड्राई लगने लग जाता है। तो चलिए चलते हैं गाइस, अभी यहाँ बहुत भयंकर तरीके से गिरते गिरते बच्चा यहाँ पे गिर रखा और स्लिप हो गया, ये हाथ की से हालत। बहुत दिनों बाद गाइस, बहुत दिनों बाद। मोगली मोगली मोगली, अरे कहाँ घूम रहे हो? हाँ गाइस छोटे बच्चे तो बहुत है, बट कुछ कुछ रहते शरारती एंड बगैर शर्माए, अदरवाइज बच्चे तो बहुत है, लेकिन उनके सामने आते तो वो बिल्कुल एकदम
मासूम से छुप जाते सर, किसी से बात नहीं कर पाते, लेकिन ये हंसते रहती, इसलिए चलिए एंड चेक दिस आउट, सनसेट भी होने वाला है। पहुंच चुके गाइस घर, एंड अभी एक भंडारे में खाना खा के भी आ गए। और भंडारे की सबसे अच्छी बात यार ये कि वहाँ की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी जस्ट टाइम अब आल से आ रही है ब्लॉग एडिट करने में, हो चुके दिन भर से ऐसा लग रहा है ऐसे नींद में, पता नहीं नींद के नशे चढ़े हुए हैं। तो ब्लॉग एडिट करना है, कर देते हैं, कॉफ़ी का सहारा लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो पहले तो कॉफ़ी बनाते हैं, उसके बाद फिर चले करते हैं। ये बन रही गाइस हमारी कॉफ़ी, RAGE स्पेलिंग वाली कॉफ़ी है, एंड इसमें कुछ नहीं, सिंपल शुगर ऐड करना थोड़ी सी एंड मिल्क ऐड करना है। शुगर तो हम कम ही डालेंगे। एंड गाइस बस तैयार है अपनी कॉफ़ी, आलसी के नतीजे, आलसी के कारण जो वैसे काम होते देखिए। पहुंच की गाइस फाइनली एडिटिंग कंप्लीट, एंड टाइम हुआ अभी 9 बजने वाले, और एक तो एक फ्लैश से लाइट थोड़ा आंखों पे पड़ता है तो टाइम दिखता नहीं इतनी आसानी से। चलिए करते हैं इस ब्लॉग पे ही एंड, अगर यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड देखिए आज हमारा ब्लॉग की एंडिंग हम जो शूट कर रहे हैं वो देखने को ना आए तो हमारे स्क्रीन के सामने, हम तो कैमरा फेस कर रहे हैं, हमारे स्क्रीन के सामने पापा देख रहे हैं कैसे एंडिंग शूट करते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।